Hey guys, welcome to my channel. That is why Private Sophia. So how are you all? So if you are watching my video for the first time on my channel, then I would like to request you please subscribe to my channel and also click on that bell icon so that whenever I upload a new video, you get a notification for it. So चलिए start करते हैं आज का नया vlog जिसमें मैं बात करने वाली हूँ लो लाइंग प्लेसेंटा एंड प्रेगनेंसी. वो होता क्या है और इज इट अ कॉम्प्लिकेशन और आपको डरने की ज़रूरत है या आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है. जो मुझे पता चला है मुझे मेरे डॉक्टर की तरफ से, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो लो लाइंग प्लेसेंटा, पहले बात करते हैं प्लेसेंटा होता क्या है. तो प्लेसेंटा वो प्लेस है अपने वूम में या अराउंड योर वूम, अराउंड योर यूट्रस, दैट फिल्टर्स आउट योर ब्लड एंड पासिस इट टू द बेबी. मतलब आपका खून वो फिल्टर करता है और बेबी को देता है, बेबी के पास पहुंचाता है और न्यूट्रिशन भी उसी थ्रू बेबी के पास जाता है. तो प्लेसेंटा वो प्लेस है. तो नॉर्मली नॉर्मल पोजीशन प्लेसेंटा की होती है ऊपर की तरफ, यूट्रस की ऊपर की तरफ. बट लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या होता है यूरो कि वो प्लेसेंटा यूट्रस के नीचे निचले भाग में होता है, मतलब लोअर पार्ट में होता है प्लेसेंटा. तो हाँ, प्लेसेंटा को हिंदी में आवल या वार भी कहते हैं. तो ये कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे होता है कि अक्सर प्लेसेंटा नीचे नीचे की तरफ दिखता है. तो जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है, उसकी साइज बढ़ती है, तो प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाता है. डॉक्टर ने ये भी कहा कि आउट ऑफ 100% 98% केसेस में प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन में चले जाता है अंटिल फिफ्थ मंथ, दैट स्टिल इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड ओनली इन 2% केसेस प्लेसेंटा रिमेन्स डाउन टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ तुम धीरे चलना, कुछ हैवी वज़न भारी वज़न मत उठाना और जितना हो सके उतना आराम करना, डॉक्टर ने कहा. और हाँ, स्पाइसी ऑयली फूड तो मना कर दिया, वो तो बाई डिफॉल्ट हर एक प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है, लेकिन इसमें लो लाइंग प्लेसेंटा में डॉक्टर ने इतना ही कहा कि तुम जितना आराम कर सको उतना करो, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मत, मतलब जिससे यू नो स्ट्रेस मिले आपके स्टमक एरिया को चलते वक्त या कुछ एक्टिविटी करते वक्त, तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ मत करना, डॉक्टर ने मुझे इतना कहा. तो डॉक्टर ने कहा कि तुम वेट करना, फिफ्थ मंथ तक हम लोग वेट करेंगे और फिफ्थ मंथ में जो सोनोग्राफी होगी उसमें पता चलेगा कि प्लेसेंटा अपने नॉर्मल पोजीशन में गया है या नहीं. तो डॉक्टर का ये भी कहना था फिफ्थ मंथ तक क्या होता है, बेबी की साइज बढ़ती है तो ऑब्वियसली यूट्रस भी बढ़ता है, तो नीचे जगह नहीं मिलती प्लेसेंटा को, तो वो ऊपर मूव हो जाता है जस्ट बिकॉज द साइज ऑफ दी बेबी इज इंक्रीजिंग एंड यूट्रस इज इंक्रीजिंग, सो दी प्लेसेंटा मूव्स अपवर्ड एंड देन कम बैक टू नॉर्मल पोजिशन, एंड तब कोई डरने की जरूरत नहीं होती है. तो डॉक्टर ने कहा कि वेट टिल द फिफ्थ मंथ. सो अभी आई हैड सोनोग्राफी इन माई थर्ड मंथ, तो अभी फोर्थ मंथ चालू है, तो नेक्स्ट मंथ पता चलेगा क्या होगा. तो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस टिल देन. एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम नॉट डूइंग सच एक्टिविटीज दैट कैन यू नो लीड मी टू पेन. और हाँ, अबाउट पेन, रोज़ क्या होता है ना, हल्का हल्का सा पेट में रोज़ दर्द होता है, जो कि मुझे मेरे पहले प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था. पहले प्रेगनेंसी वॉज टोटली हेल्दी एंड टोटली नॉर्मल, आई वॉज सो फिट एंड एक्टिव एंड सो फ्रेश थ्रू आउट माई 9 months. बट दिस टाइम व्हाट हैपनिंग इज यू नो आई एम नॉट फीलिंग टू ईट एट ऑल, मीन्स आई एम लाइक माई स्टमक इज फुल ऑल फुल डे विदाउट इवन हैविंग अ फूड, माई स्टमक इज फुल, आई डोंट नो हाउ. एंड माई पेन, सॉरी माई स्टमक पेन्स लिटिल बिट डेली. आई सेड दिस टू डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड दैट यू नीड टू रेस्ट एंड नथिंग एल्स, डोंट वरी इफ द पेन इज माइन्यूट, सो यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू टेक रेस्ट, जितना हो सके उतना आराम करना. और हाँ, ज़्यादा दर्द करने लगे या कुछ एबनॉर्मल तुमको एक्सपीरियंस हो तो आ जाना डॉक्टर ने कहा. तो आई डोंट हैव टू वरी बिकॉज दैट पेन इज माइन्यूट एंड आई कैन यू नो bear it or I can ignore it because that's a little pain, little minute pain that I have daily, so that's okay. I just shared with doctor, so doctor knows and doctor can suggest me, that's why. So let's hope for till the fifth month, 1 month is remaining to do that sonography. And also doctor
और नॉट डॉक्टर सेड बट ऑल्सो व्हेन आई गूगल इट आउट व्हाई इट हैपेंस व्हाई लो लाइंग प्लेसेंटा हैपेंस इन प्रेगनेंसी सो इट इज सेड दैट इफ यू हैव अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिलीवरी बेबी डिलीवरी सी सेक्स थ्रू सी सेक्शन देन यू कैन ऑल्सो हैव दिस चांसेस ऑफ हैविंग लो लाइंग प्लेसेंटा सो येस आई वॉज हैविंग माई प्रीवियस delivery through C-section. So this Google said. So next time whenever I'll go to doctor, I'll nurse to doctor and confirm. So hope for the best and stay tuned till 1 month and I'll again update to on this channel about my low lying placenta and its position now. Till then stay tuned and till then bye bye. Take care.